लोकसभा चुनाव में अजीत के साथ अब इन दिनों धन्यवाद कार्यक्रम चल रहा है। इसी को लेकर गाजीपुर से सपा के टिकट पर चुनाव जीते अफजाल अंसारी जनता का धन्यवाद करते देखे गए। उसी का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी है, जिसमें सपा सांसद अफजाल अंसारी अपने एक बयान में अपनी पुरानी पार्टी की मुखिया यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले और टिकट मिलने के बाद तक अफजाल के दिल में मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, अभी भी थोड़ा सा दिखा। इसे सुनिए पहले आप। विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का एक एक चुनाव के दौरान हमारे सामने सवाल लाया जाता था कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा के छोड़ का नहीं बदे थे। पत्रकारों का सवाल होता था, पहले खबर चलाते थे सब कि ओबे टू को पार्टी मिलल रहे तब न जीत गए, अगर बसपा अलग हो गए तो आप कैसे जीती। हमसे मिलते थे तो कहते थे कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा छोड़ क्यों नहीं गए, हमें तोहके कौन खजवट दे। हम नहीं छोड़ा तोहके कौन खजवट मिलता, जा बहिनी से कह के हमके निकलवा दे, हम कोनो में जाए करो मुक्ति पर। लेकिन इसके अगले ही पल जहां अफजाल अंसारी ने इंडिया गठबंधन के जलवे की बात कही तो साथ ही बसपा को चेतावनी भी दे डाली, कहा कि अभी भी समय है, अगर बसपा साथ आ गई तो सब सही होगा, बीजेपी 150 में ही सिमट जाएगी, नहीं तो फिर बसपा का नुकसान तय है। कांग्रेस पार्टी को लेके समाजवादियों ने जो जलवा दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता को सोचना होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने नहीं सोचा तो बहुजन सोच लेगा और वो खुद फैसला लेकर के ऐसी कतार में खड़ा हो जाएगा कि इस देश में संविधान सुरक्षित रह सके। सुना आपने, अफजाल अंसारी ने साफ साफ चेताया है कि साथ आ जाए बसपा, नहीं तो फिर टिकना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कांग्रेस की भी अफजाल ने तारीफ की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का श्रेय कांग्रेस को भी दिया। तो गठबंधन के साथियों की कदर होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान है इस जीत में। जहां जितने रहे हैं ये वोट जो 1.25 लाख की जीत है, इस वोट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का, माले के लोगों का, आम आदमी पार्टी का, जनाधिकार पार्टी का, ये तमाम पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, जितना बड़ा योगदान समाजवाद। अफजाल अंसारी ने अपने धन्यवाद कार्यक्रम में जनता कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद किया ही, इसके साथ ही सभी दलों का जो गठबंधन में साथ थे, लेकिन बसपा से उनकी ये बेरुखी वायरल है, क्योंकि बसपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले अफजाल ने पहली बार ऐसा बयान दिया है जो बसपा सुप्रीमो के दिल को चोट पहुंचा सकता है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन था तब बसपा के टिकट पर अफजाल मैदान में थे और गाजीपुर से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार वो सपा से मैदान में उतरे और फिर एक बार जीत को अपने नाम किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।